हेलो गाइस, मैं जितेंद्र शर्मा अड्डा 20.27 पे आप सब लोग स्वागत करता हूँ। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हो गाइस। प्यार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही तैयारी बता दीजिए फटाफट गाइस, फटाफट बताएं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं गाइस, और ये भी शो आपके लिए ज़बरदस्त होगा। शो को शुरू करने से पहले मैं एक बार बस ग्रुप में शेयर कर दूँ ताकि आप लोग और बच्चे भी जुड़ जाएँ। फॉर गाइस, इसलिए यहाँ पर सबको ओपन भी करना है, ग्रुप भी ओपन करना होता है। तो अब जितने बच्चे हैं सब लोग शेयर कर दीजिए फटाफट गाइस, मैंने ग्रुप ओपन कर दिया है। चलिए फटाफट करिए, जल्दी जल्दी कर दीजिए गाइस, फटाफट जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए फटाफट गाइस। चलिए प्यार दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एज ए अगर आप में कोई भी बच्चा एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, तो गाइस 80% ऑफ का चांस मिल रहा है गत बच्चों। और गाइस, अगर आप एसएससी जीडी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो एसएससी का महापैक, ये एसएससी जीडी का महापैक परचेस करिए, क्लियर। और इसके लिए कोड अप्लाई कर दीजिएगा Y242, याद रखना इस पर Y242। अगर आप Y242 कोड यूज़ करते हैं तो इस पर आपको 80% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो तुरंत आज जाकर परचेस करें और एसएससी जीडी के बैच में हमारे साथ जुड़ जाएं। पहला क्वेश्चन ये रहा, जवाब दें। आज आपके लिए कुछ स्पेशल भी है, आज आपके लिए स्पेशल भी है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, आज आपके लिए स्पेशल भी है कुछ, ठीक है। आज आपके लिए स्पेशल है, लास्ट में बताऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो अनुमित, मैं से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? एंडीज, हिमालय, रॉकी एंड यूराल, बनाएगा इसका तो आपका। प्यारे दोस्तों, अगर बात करें तो यूराल माउंटेन जो है एशिया और यूरोप को अलग करता है, एशिया और यूरोप को अलग करता है, नोट कर लीजिए, एशिया यूरोप को अलग करता है। रॉकी माउंटेन नॉर्थ अमेरिका में है, याद रखना। हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, विश्व का सबसे ऊंचा, याद रखना, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। और एंडीज की लंबाई 7000 किलोमीटर, याद रखना, 7000 किलोमीटर के साथ एंडीज वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। अगला क्वेश्चन गाइस, सर प्लीज कॉल अपना कहाँ था? भाई जिसको भी कॉल करना है मेरे से, भाई जिसको भी मुझसे बात करनी है वो टेलीग्राम के थ्रू बात कर सकता है, टेलीग्राम के थ्रू बात कर सकता है, कॉल कर सकता है, चैट कर सकता है, जो लगता है वो करना है वो कर सकता है। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चाय के व्यापार के एकाधिपत्य और चीन के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया था? यानी किस अधिनियम के द्वारा चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया था, बताइए क्या उत्तर है आपका। प्रयास करें, प्रयास करें, प्रयास करें, क्या उत्तर है आपका? फर्व गाइस जवाब दीजिए, बिल्कुल सही गाइस, 1833 का चार्टर एक्ट इज द राइट आंसर। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चाय व्यापार के एकाधिकार को और चीन के साथ व्यापार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था, क्लियर। तो इसका होगा दूसरे का डी इज द राइट आंसर, याद रखना। अरे भाई तेरा नहीं है भाई, डी है, डी है, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, ध्यान रखना, गलती मत करो, क्लियर। सी नहीं है बेटा, यहाँ पे देखिए कह रहा है, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चाय के व्यापार के एकाधिपत्य, चाय के व्यापार के एकाधिपत्य और चीन के साथ व्यापार को समाप्त किया? ओहो ओहो, चीन था, चीन है भाई, पहले में ही गड़बड़ हो गया। ओहो ओहो ओहो, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर। माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, आई एक्सेप्टेड, आई एक्सेप्टेड। चले अगला क्वेश्चन गाइस, देखो, अरे यार आंसर क्यों बदलते हो, आंसर क्यों बदलते हो, ओहो, अरे भाई आंसर क्यों बदलते हो यारो। चले, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? मैंने थोड़ा, मैंने गलती कर दिया तो आपने भी गलती कर दिया, आंसर देखने में मैंने गलती कर दिया था। चले, इन विच कंट्री इज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड, बताएं क्या होता है गाइस, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट गाइस जवाब दीजिए दोस्तों, क्या होता है आपका। प्रयास करें, प्रयास करें, अरे भाई क्वेश्चन नहीं बदलना, आंसर नहीं बदलना, समझ में आया ना, ठीक है, अपने आंसर पे टिक करा रह कीजिए। चले गाइस, अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है, बताएं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, क्या होता है गाइस, इन विच कंट्री इज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड, लोकेटेड, बताएं क्या उत्तर आपका। बिल्कुल सही गाइस, बिल्कुल सही, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। और ये किस महासागर में है, तो पैसिफिक ओशन में, याद रखना, पैसिफिक ओशन में है, याद रखना। अगला क्वेश्चन गाइस कह रहा है कि, अगला क्वेश्चन कह रहा है, रहनुमाई मजदैन सभा, रहनुमाई मजदैन सभा का संबंध किस धर्म से है, बताएं, फर्क है जवाब दीजिए, रहनुमाई मजदैन सभा इज रिलेटेड टू विच रिलीजियन, क्या होता है गाइस, जवाब दीजिए, क्या उत्तर होगा आपका, प्रयास करिए,
कोशिश करिए, अटेम्प्ट लीजिए, क्या उत्तर है आपका? रहनुमाई मजदायन सभा का संबंध किस धर्म से है? सिख, इस्लाम, पारसी और उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट गाइस जवाब दीजिए दोस्तों, क्या तो है आपका? फटाफट गाइस जवाब दीजिए। फटाफट गाइस, यार बिल्कुल सही, पारसी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, पारसी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही मेरे दोस्तों। विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सा है? विश्व का प्राचीनतम, प्राचीनतम कह रहा है, विश्व का सबसे प्राचीनतम कह रहा मेरे दोस्त, प्राचीनतम कह रहा है ड्रैकेंसबर्ग, आल्प्स, एल्प्स, हिमालय। देखते हैं अब कौन जवाब देता है, अब कौन से जवाब देता है, और सबसे यंग कौन है, जवान कौन है, ऐसा कौन सा हिमालय जो अपनी जवानी, जवानी के दौर से गुजर रहा है, बताएं कौन सा यहां पर है जो जवानी के दौर से गुजर रहा है, बताएं जवानी के दौर से कौन गुजर जवानी के दौर से गुजर रहा है, बताएं इसमें से कौन सा माउंटेन अपनी जवानी, जवानी यंग है ये भी बताना है। इसका तो आंसर ड्रैकेंसबर्ग है और ये सबसे यंग माउंटेन है, याद रखना ये सबसे यंग माउंटेन है, कौन? हिमालय। आई होप यू अंडरस्टैंड। चले गाइस अगला क्वेश्चन। गाइस महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना, आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी, बताएं? फटाफट गाइस जवाब दीजिए दोस्तों, महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सरोजिनी नायडू, भगिनी निवेदिता, पंडित रामाबाई एंड ज्योतिबा फुले, बताएं क्या होगा आपका? प्रयास करें, प्रयास करें, प्रयास करें, क्या उत्तर होगा आपका? आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? फटाफट गाइस जवाब दीजिए। प्यारे दोस्तों, अगर आप में से किसी बच्चे ने अब तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर कर देना यारो, लाइक जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना, ठीक है? और प्यारे दोस्तों, अगर आप में से किसी बच्चे ने शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कर देना यारो, शेयर जरूर कर देना, याद रखना, लाइक एंड शेयर, लाइक एंड शेयर, लाइक एंड शेयर, लाइक एंड शेयर जरूर करना मेरे दोस्तों, लाइक एंड शेयर जरूर करना, बिल्कुल गाइज। भगनी निवेदिता इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, सिस्टर निवेदिता इज द राइट आंसर, राइट आंसर, राइट आंसर। चले, अरे नहीं भाई, ज्योतिबा फुले नहीं थे यार, ज्योतिबा फुले नहीं थे भाई, नहीं थे, नहीं थे, नहीं थे, याद रखना। कह रहा है पठार, कह रहा है और देश का नाम कह रहा है मोहम्मद आसफ भाई, जवाब दीजिए तभी तो नाम लिया जाएगा। पठार कह रहा है और देश का नाम कह रहा है, माटो ग्रासो का पठार ब्राजील, दारफूर का पठार सूडान, कोलोराडो का पठार अमेरिका, किम्बर्ले का पठार कनाडा, बताएं क्या होगा आपका? कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए गाइस, क्या उत्तर होगा आपका? बिल्कुल सही गाइस, किम्बर्ले प्लेटो, किम्बर्ले प्लेटो, किम्बर्ले प्लेटो कनाडा में नहीं है, किम्बर्ले प्लेटो कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है, नोट कर लीजिए, कहाँ पे मेरे दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन। गाइस दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है, बताएं? हु इज क्रेडिटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, बताइएगा इसका उत्तर आपका? फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों, क्या उत्तर आपका? प्रयास करिए, प्रयास करिए, प्रयास करिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो भाई लाइक तो करिए, अरे लाइक तो करिए गाइस, लाइक करिए। और प्यारे दोस्त, अगर आपने शेयर नहीं किया तो शेयर तो करिए, शेयर तो करिए गाइस, शेयर तो करिए, लाइक एंड शेयर करिए, लाइक एंड शेयर करते चलें। फॉर गाइस जवाब दीजिए दोस्तों, क्या तो आपका? चलिए गाइस, इसका आंसर ए बिल्कुल सही, महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही गाइस। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, बी एन राव एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। भाई ये तो स्थायी अध्यक्ष थे, ये तो सबको पता ही है, स्थायी अध्यक्ष थे, ये तो सबको पता है, ठीक है। ये भाई अस्थायी थे, याद कर लीजिए, ये अस्थायी थे, और ये जो थे लीगल एडवाइज़र थे, याद कर लीजिए, लीगल एडवाइज़र थे, याद कर लीजिए गाइस, लीगल एडवाइज़र थे, ठीक है। और उद्देश्य प्रस्ताव जो था, उद्देश्य प्रस्ताव लाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो बताएं क्या होगा आपका? सर मेरा एग्ज़ाम है 19 को लखनऊ में, तो राहुल आर्या आपका लखनऊ में एग्ज़ाम है, थोड़ा सा आप बचा के जाना और सर पे जो हेलमेट पहन लेना, हेलमेट राहुल भाई, सर पे हेलमेट पहन लेना और शीशा ढका हुआ हो, ध्यान रखना लखनऊ में ज़्यादा कोरोना है, ध्यान रखना। चलेगा इसका आंसर बिल्कुल सही, बी इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही, सच्चिदानंद सिन्हा इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, राज तरंगरी में 7826 लोग हैं जो तरंग में संगठित हैं, तरंगों की संख्या क्या है, बताएं क्या होता है दोस्तों? प्रयास करिए, प्रयास करिए। देर आर
7826 verse in Raj Tarangre, which are organized in waves, are the number of waves. क्या होता है दोस्तों? प्रयास करिए, क्या उत्तर होगा आपका? एक एक बच्चे जवाब दीजिएगा इसका, उत्तर आपका. प्रयास जरूर करना गाइस, प्रयास जरूर करना, प्रयास जरूर करना. सर जी बंगाल वाली कन्या के पास शेयर कर दूं? अरे बंगाल वाली कन्या क्या तुम युगांडा की कन्या के पास शेयर कर दे? भाई अगर तुम युगांडा की भी किसी कन्या को जानते हो तुम वहां पर भी शेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए बताएं क्या होता है गाइस, दसवें का क्या उत्तर होगा? बिल्कुल सही, आठ इज द राइट आंसर. बिल्कुल सही, एट इज द राइट आंसर. बिल्कुल सही. और राज तरंगिणी की रचना किसने करी थी? तो याद रखना कलहन, कलहन की राज तरंगिणी है. याद रखना कलहन की राज तरंगिणी है जो सबसे ज्यादा फेमस है. आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस. अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का विधिक सलाहकार होता है? भारत सरकार कह रहा है, भारत सरकार का विधिक सलाहकार. जल्दी जल्दी जवाब दीजिए गाइस, क्या आंसर होगा आपका? फर्रो गाइस जवाब दीजिए दोस्तों, क्या उत्तर होगा आपका? कौन भारत सरकार का विधिक सलाहकार होता है? जवाब दीजिएगा इसका उत्तर आपका. महानियंत्रक, लेखा परीक्षक, मान्यवादी, उच्चतम न्यायालय और निर्वाचन आयोग. फटाफट जवाब दीजिएगा इस, क्या उत्तर है गाइस? फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए. सर सर पर उसे हिंदी समझ नहीं आया. अच्छा कोई बात नहीं, अरे उसे समझ में आ गया है, उसे हिंदी समझ में आ गया है, घबराइए नहीं. उसने जिस लैंग्वेज में लिखा था उसी लैंग्वेज में मैंने उसको बताया है. चलिए अब बिल्कुल सही, महान्यायवादी इज द राइट आंसर. महान्यायवादी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही. और इसका प्रोविजन आर्टिकल 76 में किया गया है, नोट कर लीजिए. ये आर्टिकल 148 से 151 के बीच में किया गया है और इसका मेन काम है ऑडिट करना, इसका काम है ऑडिट करना. और ये 124 से 147 के बीच में है और ये 324 से 329 के बीच में है. बिल्कुल सही गाइस. निम्न में से कह रहा है निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन ग्रंथ में राज तरंगिणी का उल्लेख प्राप्त होता है? बताएं कौन सा मध्यकालीन ग्रंथ है जिसमें राज तरंगिणी का उल्लेख किया गया है? तुगलकनामा, आईने अकबरी, बाबरनामा, तुजुके जहांगीरी. जवाब दें, फर्क का जवाब दीजिए दोस्तों, क्या उत्तर होगा आपका? प्रयास करें, प्रयास करेगा इसका उत्तर आपका. रवि कह रहे साइकिल पंचर हो गया. अरे साइकिल पंचर हो गया तो कोई बात नहीं, बाइक पे बैठ जा, क्या दिक्कत है? बाइक पे बैठ जा भाई, साइकिल को छोड़, बाइक पे बैठ. अगर बाइक पंचर हो जाए तो कार ले लेना, अगर कार पंचर हो जाए तो एरोप्लेन से चल देना, लेकिन रास्ता हमेशा क्लियर रहना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना. चलेगा इस, बिल्कुल सही. तुजुके जहांगीरी इज द राइट आंसर. तुजुके जहांगीरी इज द राइट आंसर, राइट आंसर, राइट आंसर. नोट कर लीजिए, तुजुके जहांगीरी में राज तरंगिणी का उल्लेख मिलता है. ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के विदेश नीति का आधार क्या है? द बेसिस ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. यानी भारत सरकार की विदेश नीति का आधार क्या? 40, 45, 50, 51, क्या उत्तर मेरे दोस्तों? बताएं क्या उत्तर होगा आपका? प्रयास करेगा इसका उत्तर होगा आपका. भारत सरकार की विदेश नीति का आधार बताना है भाई, भारत सरकार की विदेश नीति आधार तो आर्टिकल 51 है, आर्टिकल 51 है. क्योंकि 40 में तो पंचायत है, 40 में पंचायत है, 45 में शिक्षा है, 45 में शिक्षा है, 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण है, न्यायपालिका का पृथकीकरण है. और 51 में शांति और सुरक्षा है, शांति और सुरक्षा किसमें? तो भाई 51 में है. चलेगा इस, अगला क्वेश्चन, कौन सा हप्पा कालीन स्थल पत्थर उद्योग का विशाल केंद्र था? क्वेश्चन को समझिए, विच हरप्पन साइट वॉज ए ह्यूज सेंटर ऑफ स्टोन इंडस्ट्री. स्टोन इंडस्ट्री कह रहा है, स्टोन इंडस्ट्री कह रहा है. बताओ कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो था पत्थर का विशाल केंद्र था, पत्थर का विशाल केंद्र था. बताएं, छोटे छोटे कदम हमारे आगे बढ़ते जाएंगे. क्या बात है भाई, आज तो शेर शायरी छोड़ दी सोयब जी ने कि छोटे छोटे कदम हमारे आगे बढ़ते जाएंगे और मंजिलें मिलती जाएंगी. बताएं क्या उत्तर होगा आपका? बिल्कुल सही, सुक्कुर इज द राइट आंसर. बिल्कुल सही, सुक्कुर इज द राइट आंसर. बिल्कुल सही. अगला क्वेश्चन गाइस, प्यारे दोस्तों अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिए गाइस, लाइक करिए. और प्यारे दोस्त अगर आपने शेयर नहीं किया तो भाई शेयर करिए, फटाफट गाइस शेयर जरूर करें गाइस. लाइक एंड शेयर,
लाइक एंड शेयर करते चलें। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। सीएचएस पेपर पोस्टपोन कराओ। अरे सीएचएस, एक तो सरकार पेपर नहीं लेती और जब सरकार पेपर ले रही है तो कह रहा है कि पोस्टपोन करा दो। अरे भाई बिल्कुल ऐसा मत कराओ, भाई बिल्कुल ऐसा मत कराओ। समय पे एग्जाम हो रहा है, हो जाने दो, हो जाने दो। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ब्राइन प्रेसाइड्स ओवर ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा और प्राइम मिनिस्टर। आपको यह भी जवाब देना है, बुलाता कौन है, बुलाता कौन है भी बताएं, बुलाता कौन है, बुलाता कौन है। क्लियर? बुलाता कौन है का मतलब है कि भाई ज्वाइंट सेशन को प्रेसिडेंटशिप के लिए कौन बुलाता है, ज्वाइंट सेशन के लिए कौन बुलाता है? तो भाई बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, याद रखना। और अध्यक्षता करेगा कौन? तो स्पीकर ऑफ लोकसभा करेगा, याद रखना। यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा अध्यक्षता करते हैं, क्लियर। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं, क्लियर। और अध्यक्षता किस में है? तो आर्टिकल 108 में है, याद रखना। आर्टिकल 108 में ज्वाइंट प्रेसिडेंटशिप का प्रोविजन किया गया है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? अब की बात बताओ तो जाने क्या उत्तर होगा आपका। हु एस्टैब्लिश्ड द इंडियन होम रूल सोसाइटी इन फरवरी 1905? क्या होता है मेरे दोस्त, बताइए क्या होगा आपका, प्रयास करेगा इसका उत्तर आपका। फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? हु एस्टैब्लिश्ड द इंडियन होम रूल, होम रूल होगा भाई, ये होमलैंड नहीं है, होम रूल है, ये रूल कर लीजिए यहाँ पर, होम रूल सोसाइटी इन फरवरी 1905। क्या होता है दोस्त, बिल्कुल सही गाइस, 16वें का उत्तर बिल्कुल सही, श्याम जी किश वर्मा, याद रखिए, श्याम जी किश वर्मा के द्वारा, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना फरवरी 1905 में किया गया था। बाल गंगाधर तिलक कह रहा है, बाल गंगाधर तिलक नहीं है, बाल गंगाधर तिलक नहीं है। अरे भाई वो मूवमेंट था, अरे वो मूवमेंट था यार, वो मूवमेंट था होम रूल आंदोलन। अगर ये रहता होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन, ठीक है, अगर ये होम रूल आंदोलन रहता तब तुम तिलक टिक करते, तब तुम तिलक टिक करते और एनी बेसेंट आप टिक करते, एनी बेसेंट, क्लियर है, तब एनी बेसेंट टिक करते। यहाँ पे होम रूल सोसाइटी है, सोसाइटी है भाई, सोसाइटी है, ठीक है। चलो, बिहू नृत्य किस राज्य का लोकनृत्य है? ये तो सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल, ठीक है। और साथ साथ बता दीजिए तमाशा कहाँ का है, ये तो पेपर में पूछ चुका ना, तमाशा, तमाशा आ गया है पेपर में, तमाशा आ गया है। बिहू नृत्य किस राज्य का लोकनृत्य है, बताएं, सबसे सिंपल क्वेश्चन। बिहू नृत्य इज फोक डांस ऑफ विच स्टेट, सबसे सिंपल क्वेश्चन सेट किया, बताएं क्या होता है। और तिलक पुणे में, महाराष्ट्र में, एनी बेसिन मद्रास में, भावना, भावना, सबसे पहले तिलक ने अप्रैल 1916 में, तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी, जबकि सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। चलो, तो इसका तो आंसर असम है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन गाइस, निम्न में से किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को बरगंजा की कैथरीन से विवाह में बंबई दहेज में दिया था? बनाएगा इसका उत्तर आपका। कह रहा हूं, अमंग द फॉलोइंग गिव चार्ल्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड इन बॉम्बे डॉवरी इन मैरिज, डॉवरी इन मैरिज टू कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, यानी इंग्लैंड के राजकुमार, इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स सेकंड की शादी, शादी कैथरीन डी ब्रिगेंजा से हुई थी, तो दहेज में क्या मिला था, क्या मिला था दहेज में? अरे दहेज में क्या मिला था बता दो, दहेज में क्या मिला था बताओ, बॉम्बे मिला था, ये तो कन्फर्म है, ये तो यहीं पे लिखा हुआ है, बॉम्बे मिला था। दिया किसने था ये पूछा है, दिया किसने था, तो बिल्कुल सही, पुर्तगीज इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, पुर्तगीज इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। चले आगे बढ़ते हैं, आज मुझे लगता है कि आज ज़्यादा क्लास हो गई है, ज़्यादा क्लास पढ़ा चुका हूँ, इसलिए दिमाग नहीं काम कर रहा आज। चले, निम्न में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता, बताओ क्या होता है आपका। Which one of the following is not correctly matched? Not correctly matched. क्या होता है गाइस? फर्क जवाब दीजिए गाइस. Which one of the following is not correctly matched? Wheat, यानी फ्लारिस माइनर एंड पोटैटो, लेट ब्लाइट एंड बाजरा, एरगोट गन्ना, पाउडरी मिलदेव. क्या होता है दोस्तों? यानी इसमें से रोग, एक तरफ रोग का नाम है और एक तरफ फसल का नाम है, ठीक है भाइयों, भाइयों मैं आपसे फिर से कह दूं, भाइयों मैं आपसे फिर से कह दूं कि अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए यार, लाइक कर दीजिए, और प्यारे दोस्त अगर शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, लाइक एंड शेयर करते चलें गाइस।
लाइक एंड शेयर करते चलें। बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। सुगर केन्स इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। निम्न में से कौन सही सुमेलित है, कौन सही सुमेलित कह रहा है? बरीद राजस्व, हाजिब शिष्टाचार, वकील इधर गुप्तचर, क्लियर। और कह रहा है वजीर सेना, क्लियर। यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कौन सुमेलित सही है। अच्छा सही कह रहा, सही पूछा है भाई, सही पूछा है। मैं भी सोचूं कि आखिर इसमें गड़बड़ क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्टली मैच्ड, कह रहा है करेक्टली, कह रहा है भाई करेक्टली, ठीक है। बता दो क्या उत्तर है आपका, फर्म का जवाब दीजिए दोस्तों, क्या उत्तर होगा आपका? सही पूछा है तो बिल्कुल सही, हाजिब इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, हाजिब इज द राइट आंसर। हाजिब का सबसे मेन काम था चलिए शिष्टाचार को बनाए रखना, शिष्टाचार को बनाए रखने का काम हाजिब करता था। चलिए गाइस, बिल्कुल सही गाइस, बीस राइट आंसर। आंध्र प्रदेश को एक भाषाई राज्य के रूप में बनाया गया था, बताओ। आंध्र प्रदेश वॉज क्रिएटेड एज ए लिंग्विस्टिक स्टेट इन, क्या होता है दोस्तों? प्रयास करिए गाइस। अरे नहीं भाई, वजीर का काम परामर्श देना होता था। किसका जवाब दीजिए? आंध्र प्रदेश को एक भाषाई राज्य के रूप में स्थापित किया गया 1950, 1953, 1956, 1961, क्या होता है गाइस? फटाफट जवाब दो, क्या उत्तर आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग क्या उत्तर होना चाहिए? फटाफट जवाब दीजिए, प्रयास करो गाइस। चलिए बिल्कुल सही, 1953 इज द राइट आंसर, 1953 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन गाइस, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ऐसे क्वेश्चन सभी नहीं आए। हु गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी जी, बताएं क्या होता है दोस्तों? प्रयास करिए गाइस, क्या उत्तर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? अब तो जवाब बिल्कुल सटीक आना चाहिए, महात्मा की उपाधि किसने दी थी बताइए। चलिए बिल्कुल सही, रविन्द्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। महात्मा का टाइटल रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था, याद कर लीजिएगा इस। अमेरिकी राज्य की डेथ वैली राज्य में स्थित है, फटाफट जवाब दीजिए। अलास्का, कैलिफोर्निया, मैन, अटलांटा, बताएं। द डेथ वैली ऑफ द यूएसए लाइज इन द स्टेट ऑफ अलास्का, कैलिफोर्निया, मैन एंड अटलांटा, क्या होता है दोस्तों? फटाफट जवाब दीजिएगा इस, क्या होता है आपका? प्रयास करते चलिए। अरे अंजलि जी, साइकिल पे चलने का मतलब समझा दो, इसका मतलब क्या है? ये जो साइकिल पे आप लोग जो चलते हो, इसका मतलब क्या है? ये नहीं समझ पा रहा हूँ मैं, ये साइकिल का मतलब क्या है? और यहाँ पे कुछ लोग तो दिल का भी जो है चित्र दे रहे हैं, भाई उसका भी तो कुछ मतलब है, किसी से प्यार व्यार तो नहीं हो गया, ये बता दो पहले। चलिए गाइस, अमेरिकी राज्य की डेथ वैली राज्य में स्थित है, ये दिल लगाने का मतलब क्या है? दिल का जो चित्र है, कोई कहता है कि ब्रेक दिल का चित्र लगा करके और उसको क्रैक कर देता है, तो इसका मतलब क्या है ये भी बता देना भाई। चलेगा बिल्कुल सही, इसका आंसर हो गया कैलिफोर्निया इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, कैलिफोर्निया इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने कब अपने सैनिकों से कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? कब कहा था सुभाष चंद्र बोस ने कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? राजधानी को सिंगापुर से रंगून स्थानांतरित करते समय, अराकान के मोर्चे पर, कोहिमा अभियान में, इम्फाल अभियान में, बताएं क्या उत्तर होगा आपका? प्रयास करेगा इसका उत्तर आपका, कोशिश करें क्या उत्तर है आपका, जवाब दें, प्रयास करें क्या उत्तर है आपका, बिल्कुल सही। इम्फाल अभियान नोट कर लीजिए, इम्फाल अभियान में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है। अंजलि जी छा गए आप तो, अच्छा ठीक है भाई। अब महाकाल का लाडला का डी आ रहा है और भावना का आंसर ए गलत हो गया, और कमलेश ने कमलेश को प्यार हो गया है किसी से, चलिए। और सर आप बहुत भोले हो, अच्छा मैं तो बहुत भोला हूँ, बिल्कुल भोला हूँ, इतना भोला हूँ कि बिल्कुल सीधा हूँ, जलेबी की तरह बहुत सीधा हूँ। चलिए आगे करते हैं, व्हाट सेपरेट्स प्लांट सेल फ्रॉम एनिमल सेल, बताएं क्या होता है दोस्तों? अब पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करता है, बता दीजिएगा इस फटाफट, यानी इसमें से कौन पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करता है? रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, बताएं क्या होता है आपका? प्रयास करेंगे गाइस, फटाफट जवाब दीजिएगा इसका उत्तर है आपका, प्रयास करेगा इसका उत्तर आपका, अटेम्प्ट लीजिए दोस्तों, क्या उत्तर है आपका? बिल्कुल सेल वॉल इज द राइट आंसर, बिल्कुल से सेल वॉल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम किसने प्रकाशित किया था? बताएं, हु पब्लिश्ड एन उर्दू डेली वंदे मातरम, बताएं, मोहम्मद इकबाल,
मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, एस सत्यमूर्ति और लाला लाजपत राय। बताएं क्या उत्तर आपका। प्रयास करें, प्रयास करें, प्रयास करें, कोशिश करें, अटेम्प्ट लें। बिल्कुल सही, लाला लाजपत राय इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, यानी लाला लाजपत राय की बात करें तो लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया भी लिखी थी, याद रखना। अनहैप्पी इंडिया भी लाला लाजपत राय की पुस्तक का नाम था, याद रखना, ठीक है। और इसी लाला लाजपत राय ने वंदे मातरम उर्दू में प्रकाशित किया था, याद रखना। अगला क्वेश्चन गाइस, अब निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है, नहीं पूछा है, नहीं कह रहा है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच्ड कह रहा है। बताओ क्या होगा आपका। नॉट करेक्टली मैच्ड, लाइकोपिन एंड कैरोटीन एंड विटामिन, इधर ऑप्शन है टोमेटो, कैरेट्स, बीट। क्या उत्तर होगा मेरे दोस्त, बताइए भाई क्या उत्तर होगा आपका। प्यारे दोस्तों बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, मैं आपसे खुश नहीं हूं, नहीं हूं भाई आपसे खुश, क्लियर। यहां पे संख्या जब तक 200 प्लस नहीं हो जाता ना, तब तक मैं खुश नहीं हूं, क्लियर। यहां पे 200 प्लस कैसे होगा, ये जिम्मेदारी आपकी है, बस जिम्मेदारी निभा दीजिए फटाफट। गाइस लाइक करिए, फटाफट लाइक करिए, और अगर शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर करिए, तभी संख्या बढ़ेगी। लाइक एंड शेयर करिए गाइस, लाइक एंड शेयर, लाइक एंड शेयर करते चलें। बिल्कुल सही गाइस, ऑल करेक्ट है, बिल्कुल सही, ऑल करेक्ट है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार का सबसे अधिक लाभ किसको मिला था, बताएं। यानी तीसरी लड़ाई में मराठों की हार का सबसे अधिक लाभ किसको मिला, अहमद शाह अब्दाली, मुगल शासक को, रोहिल्लो को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, बताएं क्या होता है दोस्तों। सबसे अधिक लाभ किसको मिला था, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए, जवाब दिए दोस्तों, क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। प्रयास आपको करना है, जवाब आपको देना है, बताएं क्या उत्तर आपका, कोशिश आपको करना है, क्या उत्तर है आपका। बिल्कुल सही, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे ज्यादा लाभ हुआ था, क्लियर। क्योंकि मराठे, जहां मराठों की शक्ति कमजोर हुई थी, वहीं दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति में वृद्धि देखा गया था। इस अकॉर्डिंग गाइस अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा लाभ ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ था। निम्न में से कौन सा अक्षर डीएनए में नहीं होता, डीएनए में नहीं होता कह रहा है। Which one of the following bases is not present in DNA? क्या होता है guys? जवाब दीजिए दोस्तों, क्या होता है आपका? DNA में क्या नहीं होता भाई? DNA में क्या नहीं पाया जाता? बताओ भाई DNA में क्या नहीं पाया जाता? DNA में क्या नहीं पाया जाता? बिल्कुल सही, यूरासिल इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, यूरासिल नहीं पाया जाता, ठीक है। एडिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, साइटोसिन याद रखना, साइटोसिन पाया जाता है। DNA में क्या पाया जाता है guys? साइटोसिन, याद रखना, एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन पाया जाता है किसमें, डीएनए में। यूरासिल जो है ये बेसिकली देखा जाए तो आरएनए में पाया जाता है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन गाइस, यंग बंगाल के प्रवर्तक कौन थे, यंग बंगाल के प्रवर्तक पूछ रहा है, बताओ क्या होगा आपका। हु वॉज द प्रोमोटर ऑफ यंग बंगाल, क्या उत्तर है, डेविड हेयर, हेनरी लुई विवियन डेरेजियो, राजा राम मोहन राय एंड हॉरिस हेमन विल्सन, क्या उत्तर गाइस, क्या होता है दोस्तों, बताइए, बताइए भाई क्या उत्तर होगा आपका। भाई प्रयास करिए, कोशिश करिए, अटेम्प्ट लीजिए, क्या उत्तर है आपका। और प्यारे दोस्तों आपको पता है ना, कल संडे को क्लास जो होगी, संडे जो क्लास है 9 PM है, याद रखना, संडे 9 PM क्लास है, याद रखना, कल संडे 9 PM, ठीक है। और हम इस 9 PM में क्या करने जा रहे हैं, तो 12 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच के सारे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है। 18 अप्रैल से 12 अप्रैल तक, चलिए 12 अप्रैल से 18 अप्रैल तक जो CHSL में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021 में, वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर भी बिल्कुल सही, हेनरी विवियन डेरेजियो इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन गाइस कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हार्मोन्स रेगुलेट्स प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ कह रहा है, बताओ क्या होगा आपका। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है, पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है, बताएं क्या होता है गाइस। याद रखना बच्चों, संडे को क्लास होगी, कल संडे है, और संडे को क्लास 9 PM है, याद रखना, याद रखना, PM लिखा है, सुबह मॉर्निंग मत पहुंच जाना, रात को है, रात को क्लास, रात के 9 बजे, याद रखना, चले गाइस। बिल्कुल सही, एब्सेसिक एसिड इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, एब्सेसिक एसिड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन गाइस, भारत में लाल पीली मिट्टी किस फसल के लिए आदर्श होती है, लाल पीली मिट्टी कह रहा है, कपास, ज्वार, चाय, धान, क्या होता है गाइस, फटाफट जवाब दीजिए। यानी भारत में अगर लाल पीली मिट्टी की बात करनी, भाई ऑक्सीजन नहीं है, भाई ऑक्सीजन नहीं है, नहीं है ऑक्सीजन, नहीं है ऑक्सीजन, एब्सेसिक एसिड है,
नोट कर लीजिए, डी इज द राइट आंसर. अब की बार गलत हो गया, जिसने भी जवाब दिया सबका गलत हुआ है. चले गाइस अगला क्वेश्चन. गाइस लाल पीली मिट्टी किस प्रकार के फसल के लिए आदर्श होती है, बताएं. चले गाइस बिल्कुल सही, रेड येलो सॉइल इन इंडिया इज आइडियल फॉर विच क्रॉप्स. जवाब दें, प्रयास करें, क्या उत्तर होगा आपका, कोशिश करें गाइस. बिल्कुल सही, धान इज द राइट आंसर. बिल्कुल सही. चले गाइस आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा हार्मोन स्तन वृद्धि में सहायक होता है. अब की बार जिसने गलत किया ना सबकी पीटी पीटी कर दूंगा, आपकी बार यहीं से बैठा करके पिटाई करना शुरू कर दूंगा. बताना गलत नहीं करना इस क्वेश्चन को. विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज हेल्पफुल इन ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, बताएं. क्या होता गाइस, फटाफट जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा आपका, बताएं. एक देखो चाय कह रहा है, अरे भाई साउथ इंडिया है ये, पूरा साउथ इंडिया ये रीजन है, यहाँ पर पूरी लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, पूरा का पूरा लाल पीली मिट्टी है, और यहाँ पर खेती किसकी होती है, तो चावल, देन यू कैन से दैट धान की खेती होती है, आपको पता ही है ऑलरेडी. चले गाइस क्या उत्तर होगा गाइस, बिल्कुल सही, एस्ट्रोजन इज द राइट आंसर. देखो ये भावना ने गलत कर दिया, प्रोजेस्टेरोन नहीं है, एस्ट्रोजन है. चले महात्मा गांधी अटेंड एनलाइटमेंट, बताएं. महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी, बोधगया, सारनाथ, सरावस्ती, वैशाली. क्या होता है गाइस, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी, बताइए क्या उत्तर आपका. एक एक बच्चा प्रयास करे गाइस, एक एक बच्चा जवाब दे, क्या आंसर होगा आपका. महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी, बताएं. महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति तो भाई बोधगया में हुई थी, बिल्कुल से बोधगया में हुई थी. और पहला उपदेश कहां दिया था, पहला उपदेश कहां दिया था, तो सारनाथ में दिया था. बिल्कुल सही है. अगला क्वेश्चन गाइस, निम्न में से किस शासक ने गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण कराया था. गंगेकोंड चोलपुरम टेम्पल कई बार पेपर में आ चुका है, कई बार पेपर में पूछ चुका है, सीजीएल में तो बार बार पूछता है सीजीएल के पेपर में. बताओ क्या उत्तर आपका, फरो गाइस जवाब दीजिए दोस्तों, क्या उत्तर है आपका. फरो गाइस गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, विद्यालय उत्तम चोल. बिल्कुल सही, राजेंद्र प्रथम इज द राइट आंसर. राइट आंसर बिल्कुल सही. गाइस अगला क्वेश्चन गाइस, चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किया था. अब तक ये पेपर नहीं आया है, यानी सीएचएसएल में अब तक नहीं पूछा है, पूछेगा 27 तारीख तक पूछेगा, कंफर्म. चाइनीज ट्रेवलर फाहियान विजिटेड इंडिया, क्या उत्तर होगा दोस्तों. चंद्रगुप्ता प्रथम, चंद्रगुप्ता सेकंड, समुद्रगुप्ता एंड कुमार गुप्त, बताएं क्या होगा आपका. फरवरी जवाब दीजिए, चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके समय में किया था. क्या होता है गाइस, चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके समय में किया था. बिल्कुल सही, चंद्रगुप्ता सेकंड इज द राइट आंसर. बिल्कुल सही, चंद्रगुप्त सेकंड इज द राइट आंसर. रॉ एजेंट को ज्ञान की, क्या लिखा था इसे, रॉ एजेंट को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है. बिल्कुल, अरे रॉ एजेंट को तो ज्ञान ही ज्ञान है, वो तो ज्ञान का भंडार है रॉ एजेंट. चलिए अगला क्वेश्चन गाइस, आप लोग कमजोर हो, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग कमजोर हो और आपको ज्ञान का अपना विस्तार करना है, आप अपने ज्ञान का विस्तार कैसे करेंगे, इस पे फोकस करिए. ठीक है, चलिए, निम्न में से किस समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है. दिल्ली समझौता, बताएं किस समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है. गांधी इरविन समझौता, गांधी अंबेडकर समझौता, गांधी रैमसे मैकडोनाल्ड समझौता, उपरोक्त में से कोई नहीं, बताए क्या होगा आपका. बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर. बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर. और याद रखना 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, याद रखना. ठीक है, अगला क्वेश्चन गाइस, जब कीमत में परिवर्तन होने पर मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता तो यह स्थिति कहलाती है. जब कीमत में परिवर्तन होने पर मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता तब यह स्थिति क्या कहलाती है. शून्य कीमत लोच, अनंत कीमत लोच, इकाई कीमत लोच, इनमें से कोई नहीं, बताएं क्या उत्तर आपका. प्रयास करिए गाइस, प्रयास करिए, क्या उत्तर है आपका. फर्स्ट गाइस जवाब दीजिए दोस्तों. प्यारे दोस्तों, अगर आप में से किसी बच्चे ने अगर अब तक लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दीजिएगा. क्लियर. और प्यारे दोस्त, अगर आप में से किसी बच्चे ने अब तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा. लाइक एंड शेयर,
लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। ब्रायन, जब कीमत में परिवर्तन होता है तो मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब ये स्थिति क्या कहलाती है? बिल्कुल सही, शून्य कीमत लॉज, जीरो प्राइस इलास्टिसिटी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, दुनिया में कॉफी के दो बड़े प्रमुख उत्पादक कौन है? द टू लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड आर। बनाए क्या उत्तर आपका, प्रयास करें क्या उत्तर आपका। द टू लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड आर, बताओ दुनिया में कॉफी के दो प्रमुख उत्पादक कौन है? क्या होता है गाइस? ब्राजील कोलंबिया, ब्राजील वियतनाम, मैक्सिको भारत, इथोपिया मैक्सिको। क्या होता है गाइस? प्रयास करो दोस्तों, क्या उत्तर है आपका? बिल्कुल सही गाइस, ब्राजील एंड कोलंबिया इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर। और अगला इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, रेपो मीन्स बताएं, रेपो दर से क्या तात्पर्य है? बताएं फटाफट गाइस। जिस दर पर एक बैंक आरबीआई से लघु अवधि के लिए पैसा लेता है, जिस दर पर एक बैंक आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से पैसा दीर्घ अवधि के लिए उधार लेती है। पढ़ते पढ़ते तो बहुत सारे बच्चे खो जाते हैं इसमें कि आखिर जवाब है क्या, तो जवाब ए है, याद रखना। क्लियर, जिस दर पर एक बैंक आरबीआई से, बस ये याद रखना, लघु अवधि। क्लियर है, यानी कि जिस दर पर कोई बैंक आरबीआई से पैसा शॉर्ट पीरियड के लिए लेता है, जब भी शॉर्ट पीरियड के लिए लेगा तो उसको रेपो रेट कहा जाता है। बिल्कुल सही गाइस, क्या बात है, खतरनाक आदमी। देखिए, 2020 का मैच खेलोगे, 2020 का मैच खेलोगे मेरे साथ? ये बताओ, आज खेलोगे 2020 का मैच? अरे मेरे साथ 2020 का मैच खेलना है, बताओ फटाफट बताओ, कौन कौन तैयार है बता दो, 2020 का मैच खेलने के लिए बता दो, गुप्ता पीरियड पर कौन कौन तैयार है 2020 का मैच खेलने के लिए बता दो फटाफट गाइस। आज पूरे मूड में हो कि गुप्ता पीरियड पे 2020 का मैच खेला जाए। अगर सब लोग तैयार हैं तो बस मुझे आपसे एक ही चीज चाहिए कि अगर आपने अब तक अंगूठा नहीं टेका तो पहले अंगूठा टेक दो फटाफट गाइस अंगूठा टेक दो, ताकि गाइस हम यहां पे और बच्चों को जोड़ सकें, ठीक है। और गाइस ये भी है, अगर आपने शेयर नहीं किया, देखिए भाई ईमानदारी से शेयर करना है, देखिए 2020 का मैच खिलाने जा रहा हूं, ठीक है, 2020 का मैच खिलाने जा रहा हूं, तो कम से कम तो शेयर तो बनता है ना यार, शेयर तो बनता है कम से कम, ताकि दूसरे को भी जोड़ सकें। ये 2020 के मैच में जबरदस्त मजा आने वाला है, चलो तो स्टार्ट करें। पहला, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, बताओ, हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। क्या उत्तर है? घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्ता प्रथम, सिरगुप्ता, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही, सिरगुप्ता इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन गाइस, विच रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी फर्स्ट एज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था, बता दो फटाफट गाइस। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था, बता दो फटाफट गाइस। बिल्कुल सही गाइस, महाराजा धीराज की उपाधि की बात करें, चंद्रगुप्ता प्रथम इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, इतिहासकार स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? CHSL में क्वेश्चन आ चुका, CHSL 2021 में पूछ चुका, ये ऑलरेडी पूछ चुका, CHSL ने पूछ दिया है। ठीक है, समुद्र गुप्ता इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश का वैश्य राजा कौन था जिसने हूनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? हूनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त एंड चंद्रगुप्ता। बनाए क्या होता है गाइस, फटाफट जवाब दीजिएगा। इसका उत्तर आपका, हूनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। क्या उत्तर है गाइस, फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों, क्या उत्तर चाहिए आपके अकॉर्डिंग? प्रयास सब लोग करेंगे गाइस, ये जबरदस्त 2020 चल रहा है, 2020 मैच चल रहा है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। बिल्कुल सही गाइस, स्कंदगुप्त इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही। चले गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि गुप्त वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? बताएं, व्हाट वाज द गुप्ता डायनेस्टी फेमस फॉर? बताएं क्या होता है गाइस, कला स्थापत्य, साम्राज्यवाद,
राजस्व एवं भूमिकर साहित्यिक कार्यों का संरक्षण बनाए, क्या होगा आपका? गुप्त राजवंश किसके लिए जाना जाता है? कला एवं स्थापत्य, साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद, राजस्व एवं भूमिकर एंड साहित्यिक कार्यों का संरक्षण, क्या होगा दोस्तों? बताइए भाई क्या होगा आपका, प्रयास करें दोस्तों, क्या आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? गुप्ता डायनेस्टी, बिल्कुल सही। आर्ट एंड कल्चर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। आर्ट एंड कल्चर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अजंता चित्रकारी के विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताएं। द कंटेंट ऑफ अजंता पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, बताएं क्या होता गाइस? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव मत एंड शैव मत, बताएं क्या होता आपका? अजंता की चित्रकारी किससे संबंधित थी? बिल्कुल सही, बौद्ध धर्म इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। बौद्ध धर्म इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? विच रूलर इज रिलेटेड टू द एरन इंस्क्रिप्शन, एरन इंस्क्रिप्शन कह रहा है, बताओ क्या होता आपका भाई? एरन इंस्क्रिप्शन कह रहा है, बिल्कुल सही। भानुगुप्त इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। भानुगुप्त इज द राइट आंसर। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था? द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री वॉज, द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री वॉज, मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल, गुप्त काल। तो जाहिर सी बात है, गुप्ता पढ़ा रहा हूं तो गुप्त काल ही होगा, ये तो कंफर्म है, ये तो किसी का गलत नहीं हो सकता, मुझे पूरा यकीन है ये तो किसी का गलत हो ही नहीं सकता। चलेगा इस, बिल्कुल सही। आठवें का डी इज द राइट आंसर। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? बताएं। विच गुप्ता रूलर वॉज कॉल्ड कविराज, कविराज, बताइए क्या होगा आपका गाइस? फटाफट जवाब दीजिए, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्ता सेकंड, समुद्रगुप्त एंड स्कंदगुप्त, चलिए बिल्कुल सही। समुद्रगुप्त इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन गाइस, गुप्त वंश को किस स्तंभ लेख में शक नहीं स्कंदगुप्त को स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है? बताए। इन विच इंस्क्रिप्शन स्कंदगुप्ता वॉज कॉल्ड शक्रोपम, बताए। कहुम स्तंभ लेख, जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, मंदसौर लेख, क्या उत्तर है दोस्तों? बताइए भाई क्या उत्तर है आपका, प्रयास करिए, कोशिश करिए, अटेम्प्ट लीजिए, क्या उत्तर है आपका? ठीक है, बिल्कुल सही। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। 2020 में एक टीम ने 10 क्वेश्चन का मैच खेल लिया, अब 10 क्वेश्चन का मैच और बचा है, 10 क्वेश्चन का मैच और बचा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध की या बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? यानी श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? बताएं, प्रयाग, बोधगया, कुशीनगर, अमरावती, क्या उत्तर में दोस्तों? बिल्कुल सही, बोधगया इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, बोधगया इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? गुप्तकाल में, मौर्य काल में, कुषाण काल में, संधव काल में, क्या उत्तर दोस्त? प्रयास करेगा इसका उत्तर आपका, फटाफट का जवाब दीजिए दोस्तों, फटाफट का जवाब दीजिए दोस्तों, क्या उत्तर आपका भाई? प्रयास करेगा इसका उत्तर चाहिए, प्रयास करिए। मंदिर निर्माण कला का विकास, हाँ बिल्कुल सही गाइस, गुप्त काल में हुआ था सबसे ज्यादा मंदिर, सबसे पहले मंदिर कला का विकास गुप्त काल में देखा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? बताएं, शकों का उन्मूलन करने के बाद और गुप्त सिंहासन बैठने के बाद और चांदी के सिक्के जारी करने के बाद उपयुक्त सभी, बताएं क्या होगा आपका? फटाफट का जवाब दीजिए दोस्तों, क्या उत्तर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? फटाफट जवाब दीजिए, चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कब की थी? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। प्यार दोस्तों याद रखना, संडे को क्लास, संडे को जो क्लास है कल 9 बजे है, याद रखना 9 PM, कहीं भूल जाओ, कहीं 10 बजे इंतजार करते रहो, कल रात 9 बजे क्लास है, कल रात 9 बजे क्लास है, याद रखना। अगला क्वेश्चन गाइस, चंद्रगुप्ता सेकंड ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए थे? बताएं, चंद्रगुप्ता सेकंड ने अपनी किस विजय की खुशी में, किस विजय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए? बलहीक प्रदेश को जीतने के बाद, हूनों को परास्त करने के बाद, शकों को परास्त करने के बाद, इनमें से कोई नहीं, जवाब दीजिएगा इसका उत्तर आपका, बिल्कुल सही गाइस, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? हरिसेन किसका कवि था भाई? हरिसेन किसका कवि था? समुद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, जवाब दें क्या होगा आपका?
बिल्कुल सही, समुद्रगुप्ता इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, समुद्रगुप्त इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? सोने की मुद्रा को बताएं, व्हाट वाज द गोल्ड करेंसी ऑफ द गुप्ता पीरियड कॉल्ड, बताएं क्या उत्तर आपका, यानी कि गुप्त काल में गोल्ड करेंसी को, गोल्ड मुद्रा को क्या कहा जाता था? बिल्कुल सही, दीनार कहा जाता था, दीनार कहा जाता था, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन गाइस, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? या नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? नालंदा यूनिवर्सिटी इस्टैब्लिश्ड, व्हेन वाज नालंदा यूनिवर्सिटी इस्टैब्लिश्ड, बिल्कुल सही, गुप्त काल में हुआ था, कुमार गुप्त ने, याद कीजिए, कुमार गुप्त के द्वारा, कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन गाइस, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? क्लासिकल युग कह रहा है क्योंकि व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी, कला साहित्य विकास चरमोत्कर्ष पर था, प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए गए थे, उपयुक्त सभी कारण से, क्या होता है दोस्त, बताइए क्या होता है आपका, यानी गुप्त काल को प्राचीन काल का क्लासिकल युग क्यों कहते हैं? क्लासिकल युग क्यों कहा जाता था? बताए, बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी, बिल्कुल सही गाइस, बिल्कुल सही, सभी कारणों से इसे क्लासिकल युग कहा जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ध्यान से पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में विचार करें, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, समुद्रगुप्त ने पल्लव शासक विष्णुगुप्त को पराजित किया था, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तीन स्टेटमेंट हैं और आपको जवाब देना है, एक और तीन, दो और तीन, एक दो तीन, नन ऑफ दिस, बताएं क्या होगा आपका भाई। अब की बार बाउंसर गेंद है, सर पे चोट मत खा लेना, बाउंसर गेंद है, सर पे चोट नहीं लगना चाहिए, ध्यान रखना सर पे चोट नहीं लगे, याद रखना बाउंसर गेंद है, बिल्कुल सही गाइस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर, राइट आंसर, देखते हैं किसका किसका सही होता है। चलिए तो प्यारे दोस्तों, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न से कौन सा है? बताएं, गुप्त कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? भीतर गांव का मंदिर, देवघर का दशावतार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, बताएं क्या होता गाइस, फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टेम्पल ऑफ गुप्ता आर्किटेक्चर, गुप्ता आर्किटेक्चर, बताएं क्या होगा आपका, फटाफट जवाब दीजिए, प्रयास करें गाइस, 20वें का क्या उत्तर है आपका, फटाफट जवाब दीजिए। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे फिर से रिपीट कर दूं कि अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसे लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और प्यारे दोस्त अगर आप में से किसी बच्चे ने अगर शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा गाइस, लाइक एंड शेयर, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। फटाफट जवाब दीजिए क्या उत्तर होना चाहिए गाइस, फटाफट जवाब दीजिए गाइस, क्या उत्तर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, प्रयास करें गाइस, बिल्कुल सही, देवघर का दशावतार मंदिर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, देवघर का दशावतार टेम्पल इज द राइट आंसर, याद रखना। और प्यारे दोस्तों, कल संडे है, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, कल संडे है भाई, सबको पता है, संडे को कल क्लास 9 PM पे होने वाली है, याद रखना। और कल मैं 12 अप्रैल से लेकर के 18 अप्रैल तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं किसमें, CHSL 2021 में, वो सारे क्वेश्चन पर डिस्कस करूंगा कल। और अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, SSC GD तैयारी कर रहे हैं, तो 80% के डिस्काउंट के साथ महापैक परचेज करें, महापैक परचेज करें, और ये महापैक गाइस आपको 80% के डिस्काउंट पे मिल रहा है, और इसके लिए कोड है गाइस, याद रखिएगा, Y242 कोड लगाइए, और कोड लगाए गाइस आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, याद रखना आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट कल मिलते हैं 9 बजे, रात को 9 बजे कल मुलाकात होगी, तब तक लिए थैंक यू, टेक केयर, एंड आई होप कि आज आपको क्लास बहुत अच्छी लगी हो और आपने बहुत इन्जॉय किया हो, आप लोग बहुत हंसे भी हैं, मुझे बहुत अच्छा भी लगा है कि आप लोगों में बहुत एंटरटेनमेंट भी आपका होता रहता है, सवाल भी बनाते रहते हैं, कंटेंट भी पढ़ते रहते हैं, एंटरटेनमेंट भी चलता रहता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा सेशन रहा, थैंक यू गाइस, जय हिंद दोस्तों।